राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज एनआईटी कुरुक्षेत्र में भगवद गीता की भूमिका पर एक 5 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ किया। उन्होंने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष को समर्पित एनआईटी के डायमंड जुबली वर्ष के कार्यक्रमों की श्रृंखला का भी शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सैनी, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. सोमनाथ सचदेवा, एनआईटी पुडुचेरी के निदेशक डॉ. शंकर नारायण सामी मुख्य रूप से शामिल हुए। इस अवसर पर राज्यपाल ने महाराणा प्रताप जयंती की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमारे विद्यार्थियों को अपने इतिहास के बारे में जानना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि आज पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में कार्यक्रम हो रहे हैं, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बधाई के पात्र हैं। और विशेष करके 75 ईयर्स में जो कुछ भी हुआ है, इसके बारे में जो जो लोग योगदान किया है, उनके बारे में आवश्यक रूप से सारे विश्वविद्यालयों में आजादी का अमृत महोत्सव बहुत ही जब भारत सरकार सब विभागों से देश भर में कार्यक्रम कर रहे हैं। इसलिए मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस अवसर पर एनआईटी कुरुक्षेत्र के निदेशक डॉ. बी.वी. रमन्ना रेड्डी ने कहा कि हम नई शिक्षा नीति के तहत मानवीय मूल्य आधारित शिक्षा देने का प्रावधान कर रहे हैं। स्पिरिचुअल, इमोशनल, ये चारों चीज विषयों पर अगर एक व्यक्ति को समृद्ध कर दें तो वो समाज के लिए अच्छा साबित होगा। इसलिए हमारी टेक्नोलॉजी के पढ़ाई के साथ साथ ये ह्यूमन वैल्यूज या लाइफ स्किल्स या कहने के लिए कि लायक बनाना सोसाइटी के लिए, इसको बोलते हैं एडेप्टेबिलिटी सिखाना। ये तक्षशिला के नियम थे जो कि हम आजकल नहीं इसको देखते हैं। हमारा